अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल्ला अख़बार फाइन फूड एंड ब्लॉगिंग से। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीज़न बहुत अच्छा है और बहुत सी सब्जियां भी आई हुई हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं आलू गाजर मेथी वाली सब्ज़ी। चलिए आइए हम चलते हैं अपनी सब्ज़ी की तरफ। हमारी रेसिपी के लिए दरकार अशिया ये हैं: मेथी 1 से 1.5 पाव कटी हुई, बारीक कटी हुई, गाजर 1/2 किलो कटी हुई, आलू 1/2 किलो, 1 अदद टमाटर, ऑयल 3/4 कप, और हमारे मसाले के लिए प्याज 1 बड़ी कटी हुई, दरमियानी कटी हुई, और हमारे मसाले लाल मिर्च हसबे ज़ायका, नमक हसबे ज़ायका, लहसुन अदरक कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, धनिया कुटा हुआ बारीक कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, और हल्दी 1/2 टीस्पून। चलिए आइए आज हम अपनी चीज़ें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे 3/4 कप। आप देख सकते हैं कि मैंने हांडी पहले ही चढ़ाई हुई थी चूल्हे पर। प्याज डाल दिया है हमने। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सब्जी का प्याज कभी भी सुर्ख नहीं किया जाता। प्याज को 2 से 3 मिनट तक ऑयल में पकाएं और इसको साथ साथ हिलाते रहें कि प्याज नीचे जुड़ ना जाए। अब देखिए हमारा प्याज पक गया है। अब हम अपना लहसुन अदरक शामिल करेंगे। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम अपने मसाले शामिल करेंगे। अब टमाटर शामिल करेंगे। पानी 1 कप, अब मेथी शामिल करके भून लीजिए। तीन से चार मिनट तक मेथी को अच्छी तरह पकाइए। अब हमारी मेथी भून चुकी है। अब हम इसमें आलू और गाजरें शामिल करेंगे। अब अगर आपको मटर पसंद है तो आप मटर भी शामिल कर सकते हैं, और इनको दम वाली आंच पे पकाइए अच्छी तरह गाजरों और आलू को। कोशिश करें कि हल्की आंच पे पके, आपको पानी ना शामिल करना पड़े। अपने ही पानी में बहुत अच्छी तरह पक जाती हैं और बहुत मज़ेदार बनती हैं। ये देखें हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। कोई भी सब्ज़ी को इतना पकाइए, पका लें कि वो अपनी शक्ल बरकरार रखे। अब हम सालन में सब धनिया शामिल करेंगे। सालन को मज़ीद 2 से 3 मिनट दम लगाकर पकाइए। दम लगाकर उतार लिए। अब हम अपने सालन को दम लगाएंगे और हमारी सब्ज़ी को दम लग चुका है। अब हम अपनी सब्ज़ी उतार लेंगे और इसके साथ ताज़ा चपाती के साथ खाइए। अब गरम गरम चपाती के साथ खाइए, बहुत मज़ेदार लगेगी, और चावलों पर डालकर भी बहुत मज़ेदार लगती है। और अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए दोस्तों हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। आप इसका रंग भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आपकी सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और तब तक अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।
और मैं आखिर में आपको फिर बताता चलूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें आपके तआवुन की बहुत ज़रूरत है, और हमारे वीडियोज़ को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हैं।